देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो 8 बार विधानसभा तो 7 बार लोकसभा के सदस्य थे। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव अपने पीछे कितने संपत्ति छोड़ गए हैं। देखिए, दरअसल मुलायम सिंह यादव के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे अखिलेश तो छोटे बेटे का नाम प्रतीक यादव है। प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। प्रतीक यादव का जन्म साधना गुप्ता की पहली शादी से हुआ था, हालांकि बाद में मुलायम सिंह ने बतौर पिता उन्हें अपना नाम भी दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में मुलायम सिंह यादव ने बताया था कि उनके पास करीब 20 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। मुलायम सिंह यादव के पास अपने नाम पर ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई गहने, वो निजी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव ने बताया था कि उन्होंने बेटे अखिलेश से 2.13 करोड़ रुपए का उधार लिया है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपने छोटे बेटे प्रतीक यादव को करीब 43 लाख रुपए दिए हैं, इसका जिक्र भी किया है। तो देखिए, यहाँ मुलायम सिंह यादव का अगर हम जिक्र देखें तो जाहिर सी बात है कि दोनों बेटों से बराबर का प्यार करते थे। तभी एक को अगर संपत्ति देने पर आते थे तो दूसरे को जो है अपनी उस जिम्मेदारी को सौंपने की बात करते थे, उस पार्टी को सौंप चुके थे जो उनके जिगर का टुकड़ा था। यानी कि यहाँ पर दोनों बेटों में कभी भी भेदभाव करते हुए नजर नहीं आए। फिलहाल संपत्ति को लेकर के चर्चा हम करते रहते हैं और आज इस खास चर्चा में मैंने इसीलिए आपको प्रतीक यादव की उस संपत्ति से अवगत कराया जो संपत्ति को लेकर के यहाँ पर जो है जनता जानना भी चाहती थी, क्योंकि प्रतीक यादव को क्या दिया है मुलायम सिंह यादव ने, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे। और अखिलेश यादव को लेकर के तो सवाल उठते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तराधिकारी के रूप में वही उनकी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रतीक यादव को क्या मिला, इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।